नमस्कार, विज्ञान प्रौद्योगिकी आविष्कार और नवाचार से जुड़ी जानकारियों के कार्यक्रम ज्ञान विज्ञान में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश अंदानिया। आज हम बात करेंगे ऐसे अध्ययन की जिसमें बंदर बताएंगे चुनावी परिणाम, जानेंगे क्यों पसंद है हमें कार्बोहाइड्रेट या मीठा, और बताएंगे साबुन के विकास की कहानी। तो चलिए शुरू करते हैं ज्ञान विज्ञान का ये रोमांचक सफर। आपको फुटबॉल मैच में जीत की भविष्यवाणी करने वाला पॉल द ऑक्टोपस जरूर याद होगा। इसी तरह अब अमेरिका के चुनाव में नतीजों का अंदाजा लगाएंगे बंदर। जी हाँ, ये कोई मजाक या अंधविश्वास नहीं, बल्कि वैज्ञानिकों द्वारा किया जा रहा है एक अध्ययन है। क्या है ये अध्ययन, पूरी कहानी जानते हैं हमारी इस खास रिपोर्ट में। वैसे तो विज्ञान जगत में आए दिन बड़े अनोखे अध्ययन होते रहते हैं, लेकिन क्या कभी आपने ये सोचा है कि चुनावों में नेताओं की हार जीत का पता हम विज्ञान के द्वारा लगा सकते हैं? नहीं ना, लेकिन यही सच है। हाल ही में पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने अमेरिका की राजनीति के ऊपर अध्ययन करके ये बताया कि 2024 के राष्ट्रपति चुनाव का विजेता कौन होगा। इस बार शोधकर्ताओं ने चूहों की बजाय नकलची बंदरों को अपना मॉडल बनाया। शोधकर्ताओं ने अपने प्रयोग के दौरान तीन बंदरों को 1995 से 2008 के बीच हुए 273 अमेरिकी सांसद, गवर्नर तथा राष्ट्रपति चुनावों के उम्मीदवारों की तस्वीरें जोड़े में दिखाई, जिसके बाद ये पता चला कि बंदर उन तस्वीरों में से उस उम्मीदवार को बड़ी गौर से देखते हैं जो चुनावों में असफल हुए हों। शोधकर्ताओं के मुताबिक बंदर जीते हुए प्रत्याशी के मुकाबले हारे हुए प्रत्याशी को 54.4% ज्यादा देर तक देखते हैं। इस प्रयोग की सटीकता का पता तब चला जब शोधकर्ताओं ने बंदरों को ऐसे बंदरों के चेहरे दिखाए जिन्हें उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। शोधकर्ताओं ने पाया कि उच्च हैसियत वाले बंदरों पर एक नजर भर डालते थे, तो वहीं दूसरी ओर जब वे किसी निम्न हैसियत वाले बंदर या मादा बंदर को देखते तो अधिक समय तक देखते रहते थे। शोधकर्ताओं के अनुसार तस्वीर मात्र से सामने वाले की कमजोरियों और ताकत का अंदेशा लगा लेते हैं। शोधकर्ताओं की माने तो चेहरे मात्र से काफी जानकारी होती है जो आपके सोच और भावनाओं को दर्शाता है, और कई बार इन भावनाओं को देखकर ये समझा जा सकता है कि चुनाव के दौरान लोग किसे अपना मत देंगे। एक अध्ययन से ये भी जानकारी मिली है कि छोटे बच्चे भी मात्र चेहरा देख विजेता को पहचान सकते हैं। इसलिए अब चुनावी जंग में उतर रहे प्रत्याशियों को नीतियों या प्रचार प्रसार की बजाय अपने चेहरे पर अधिक ध्यान देने की जरूरत है। दीपावली हो या फिर कोई और त्योहार, मिठाइयों का बाजार हमेशा सज जाता है। घरों में भी मीठे पकवान बनते हैं, क्योंकि मीठा स्वाद मानव को सबसे ज्यादा लुभाता है। विज्ञान की नजर से देखें तो कार्बोहाइड्रेट से भी हमें मीठा ही मिलता है, जो हमारे शरीर की ताकत है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हमारी इस आदत और जरूरत का संबंध एक खास जीन से है? तो ज्यादा जानकारी दे रही है ज्ञान विज्ञान की ये रिपोर्ट। जब भी हम मीठा सुनते हैं हमारे मुंह में तुरंत पानी आ जाता है, और मिठाइयों की तस्वीरें हमारी आंखों के सामने घूमने लगती हैं। दिलचस्प बात यह है कि मीठा यानी कार्बोहाइड्रेट्स सिर्फ मिठाइयों तक सीमित नहीं है। चावल, गेहूं और मैदा जैसे खाद्य पदार्थ भी कार्बोहाइड्रेट के स्रोत हैं, और ये हमें ऊर्जा प्रदान करते हैं। हमारी मीठे की इस आदत की जड़ें लाखों साल पुरानी हैं, और इसका संबंध हमारे डीएनए में मौजूद एक खास जीन से है। ये जीन एमाइलेज नामक एक एंजाइम बनाता है जो हमारी लार में पाया जाता है। लगभग 8 लाख साल पहले जब हमारे पूर्वज शिकार और प्राकृतिक खाद्य पदार्थों पर निर्भर थे, तब उनके शरीर में एमाइलेज की प्रतियां मौजूद थीं, जो कार्बोहाइड्रेट को पचाने में मदद करती थीं। जैसे जैसे कृषि का विकास हुआ, इंसानों का भोजन और भी ज्यादा कार्बोहाइड्रेट युक्त हो गया। इसी कारण एमाइलेज में बदलाव भी बढ़ने लगे। ये एंजाइम कार्बोहाइड्रेट युक्त भोजन जैसे रोटी, चावल या पास्ता के प्रति हमारे स्वाद को भी बढ़ाते हैं।
ये पाया गया है कि इस जीन का असर सिर्फ भोजन पचाने तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसकी अधिक प्रतियां प्रजनन क्षमता को भी बढ़ाती हैं। ये देखा गया कि इस जीन का प्रभाव जानवरों में भी इसी तरह पड़ता है। पिछले 4000 वर्षों में एमाइलेज जीन की प्रतियों में भारी वृद्धि हुई है, क्योंकि कृषि के विकास के साथ हमारा आहार भी अधिक कार्बोहाइड्रेट युक्त हो गया है। इस बदलाव ने हमें अलग अलग प्रकार के आहार अपनाने में मदद की है, और इसी कारण इंसानों ने समय के साथ नई नई तकनीकों और व्यंजनों का आविष्कार किया है। आजकल स्टार्च और कार्बोहाइड्रेट का सेवन हमारी जीवन शैली का अहम हिस्सा बन गया है। हमारा डीएनए और उसमें छुपा एमाइलेज हमें ये समझने में मदद करता है कि क्यों आज भी मीठे और कार्बोहाइड्रेट युक्त भोजन की तरफ हम खींचे चले जाते हैं। जब स्वच्छता की बात हो और हमें साफ सफाई के बारे में बताया जाए तो साबुन का जिक्र जरूर आता है। इसकी खासियत यह है कि यह हमें गंदगी, कीटाणु और वायरस से बचाता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि साबुन की शुरुआत कब और कैसे हुई होगी? आइए जानते हैं। साबुन का इतिहास और उसका विकास एक दिलचस्प कहानी है जो हजारों साल पुरानी है। साबुन का सबसे पहला उल्लेख प्राचीन बेबीलोन सभ्यता में मिलता है, जहां 2800 ईसा पूर्व में लोग राख और चर्बी को मिलाकर साबुन जैसी सामग्री बनाते थे। प्राचीन मिस्र में भी साबुन का उपयोग होता था। वहां के लोग जानवरों की चर्बी और वनस्पति तेलों को मिलाकर साबुन बनाते थे, जिसका उपयोग नहाने और कपड़े धोने के लिए किया जाता था। रोमन्स ने साबुन को और भी विकसित किया। उन्होंने साबुन को सपो नामक पर्वत की मिट्टी और एक जानवर से प्राप्त चर्बी से बनाया, जिससे सोप शब्द की उत्पत्ति हुई। मध्य युग में साबुन का उत्पादन यूरोप में एक प्रमुख उद्योग बन गया। 12वीं शताब्दी में इंग्लैंड और फ्रांस में साबुन बनाने की कला ने जोर पकड़ा। 1751 में फ्रांस के वैज्ञानिक ने नमक से सोडा ऐश बनाने की प्रक्रिया का आविष्कार किया, जिससे साबुन का उत्पादन सस्ता और सुलभ हो गया। 19वीं शताब्दी में साबुन का उत्पादन औद्योगिक स्तर पर होने लगा। अमेरिका में कंपनियों ने साबुन को बड़े पैमाने पर बनाना शुरू किया। 1916 में प्रथम विश्व युद्ध के दौरान साबुन बनाने के लिए वनस्पति तेलों की कमी के कारण वैज्ञानिकों ने सिंथेटिक डिटर्जेंट का आविष्कार किया। आज के समय में साबुन का उपयोग केवल सफाई के लिए ही नहीं, बल्कि सौंदर्य और स्वास्थ्य के लिए भी किया जाता है। विभिन्न प्रकार के साबुन जैसे एंटीबैक्टीरियल, मॉइस्चराइजिंग और हर्बल साबुन बाजार में उपलब्ध हैं। साबुन का विकास एक लंबी यात्रा रही है, जो प्राचीन सभ्यताओं से शुरू होकर आधुनिक विज्ञान और तकनीक तक पहुंची है। साबुन की इस यात्रा ने न केवल हमारी सफाई की आदतों को बदला है, बल्कि ये भी दिखाया है कि कैसे एक साधारण सी चीज समय के साथ विकसित होकर हमारी जिंदगी का अहम हिस्सा बन जाती है। और इस वक्त विज्ञान जगत में क्या कुछ नया हो रहा है, जानने के लिए नजर डालते हैं विज्ञान जगत की ताजा गतिविधियों पर। चीन में कई संस्थानों के जीवाश्म विज्ञानियों और विकासवादी विशेषज्ञों की एक टीम ने पाया है कि 2021 में खोजा गया एक जीवाश्म अंडा अब तक का पाया गया डायनासोर का सबसे छोटा अंडा है। इस नई खोज से पहले अब तक का सबसे छोटा डायनासोर का अंडा 45.5 मिलीमीटर का था। इस नए प्रयास में खोजे गए नए अंडों में सबसे छोटा अंडा सिर्फ 29 मिलीमीटर लंबा ही है। अंडे 2021 में दक्षिण पूर्व चीन के गंजू शहर के पास एक निर्माण स्थल पर पाए गए थे। ये क्षेत्र जीवाश्म विज्ञानियों के लिए डायनासोर के अंडे खोजने के लिए दुनिया भर में सर्वश्रेष्ठ जाना जाता है। शोधकर्ताओं ने अंडे के छिलकों और उनके अंदर के जीवों की समग्र छवि प्राप्त करने के लिए इलेक्ट्रॉन बैक स्कैटर डिफ्रेक्शन तकनीक का उपयोग किया है। अध्ययन के परिणाम हिस्टोरिकल बायोलॉजी जर्नल में प्रकाशित हुए हैं।
हाल ही में कोलंबिया यूनिवर्सिटी के स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ के एक शोध अध्ययन के अनुसार पीने के पानी में आर्सेनिक के लंबे समय तक संपर्क में आने से कार्डियोवैस्कुलर रोग और विशेष रूप से हृदय रोग का जोखिम बढ़ सकता है। ये खतरा तब भी संभव है जब पानी में आर्सेनिक की सीमा जोखिम के निचले स्तरों पर हो। शोधकर्ताओं ने जोखिम की विभिन्न समय अवधियों की तुलना की, जिसमें पाया गया इस संदर्भ में पिछला दशक सबसे बड़ा जोखिम भरा था। शोध के निष्कर्ष आर्सेनिक के संपर्क में आने की महत्वपूर्ण समय अवधि पर प्रकाश डालते हैं, जो हृदय रोग में योगदान करती हैं, तथा एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एजेंसी द्वारा किए जा रहे आर्सेनिक जोखिम मूल्यांकन को बताती है। ये अध्ययन स्वास्थ्य की रक्षा में नियामक मानकों की आवश्यकता का सटीक सबूत पेश करता है। इस अध्ययन में शोधकर्ताओं ने 1990 से 2020 तक 3 दशकों के आर्सेनिक स्तर का डेटा लिया और 98,250 प्रतिभागियों को शामिल किया। अध्ययन के निष्कर्ष एनवायरमेंटल हेल्थ पर्सपेक्टिव पत्रिका में प्रकाशित हुए हैं। आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। उम्मीद है आपको हमारा ये प्रयास पसंद आया होगा। अगर आप हमारे साथ जुड़े रहना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। जाते जाते सभी दर्शकों को ज्ञान विज्ञान की तरफ से दिवाली की बहुत बहुत शुभकामना। अगले हफ्ते फिर होंगे हाजिर कुछ नई पुरानी जानकारियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।